अगर आपका प्लॉट का साइज 12 फीट चौड़ा है, 45 फीट लंबा है, तो आप बना सकते हैं इस तरह का खूबसूरत घर। इसके बारे में डिटेल वाइज मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे एक बार। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले पीछे की तरफ में आपको 11.5 फीट, 11 फीट 4 इंच और 10 फीट गहरा आपको बेडरूम मिल जाता है। उसके बाद आपको सेकेंड बेडरूम मिल जाता है जिसकी लंबाई 12 फीट है, चौड़ाई वही 11 फीट 4 इंच है। साथ में वेंटिलेशन के लिए कोटेज छोड़ा गया है। उसके बाद में आपको किचन मिल जाता है। किचन आप काफ़ी ओपन रखा गया है। किचन की लंबाई है वो 10 फीट, चौड़ाई है वो है 4 फीट। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है टॉयलेट बाथरूम, जिसकी चौड़ाई 7x4 का टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। 7x7 के एरिया में आपको स्टेयर मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले पीछे की तरफ में वही बेडरूम मिल जाता है आपको, जो कि 11 फीट 4 इंच चौड़ा है और 10 फीट 11 है। उसके बाद मिलता है आपको लिविंग एरिया, कम बेडरूम, कम किचन। किचन इसके अंदर ही लिया गया है ताकि ओटीएस के साथ आपका वेंटिलेशन हो सके। जो नीचे की तरफ में ग्राउंड फ्लोर में जो किचन बनाई गई थी वो आपको लिविंग एरिया की तरह बनाई थी। यहाँ पर आप गेस्ट रूम के लिए स्टेबिलिटी बना सकते हैं। उसके बाद आपको टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है जो कि 7 फीट चौड़ा है और 4 फीट 11 है। उसके बाद आपको 7x7 के एरिए में ही स्टेयर घुमाई गई है, जैसे कि आपने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था। इस तरीके से आपका प्लान तैयार हो जाता है। और अगर आपको प्लान पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।